लेखा शास्त्र कक्षा 12 अध्याय 5 ऋणों का निर्गमन। नमस्कार मित्रों, मैं रामावतार बटुक आपका स्वागत करता हूँ। मैं एक स्वयंपाठी विद्यार्थी हूँ। मैं इस प्रकार पढ़ता हूँ जिससे मुझे 70% से अधिक याद हो जाता है। ढंग यह है कि पहले पुस्तक का अंश पढ़ता हूँ, तत्पश्चात उस अंश के प्रश्नोत्तर लिखता हूँ और परिणाम ये होता है कि 70% से अधिक याद हो जाता है। प्रश्न एक, ऋण पत्रों के निर्गमन का सामान्य अर्थ क्या है? उत्तर, एक कंपनी द्वारा ऋण के बदले दी गई अभिस्वीकृति ऋण पत्र कहा जाता है। प्रश्न दो, ऋण पत्र क्या है? उत्तर, एक कंपनी द्वारा ऋण के बदले दी गई अभिस्वीकृति है। दो, कंपनी के सार्व मुद्रा के अंतर्गत निर्गमित एक प्रलेख है। तीन, निर्धारित समय पर मूलधन का ब्याज के साथ भुगतान की शर्तों का उल्लेख है। चार, यह प्रभार द्वारा सुरक्षित होता है। पाँच, ये कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 230 के अनुसार होता है। 6, ऋण पत्रों में ऋण पत्र स्कंद बॉन्ड्स तथा अन्य प्रतिभूतियों को शामिल किया जाता है। 7, ऋण पत्र कंपनी की संपत्तियों पर प्रभार हो सकते हैं या नहीं भी। प्रश्न 3, ऋण पत्रों की विशेषताएं क्या है? उत्तर, एक ऋण पत्र एक प्रमाण पत्र प्रलेख है। दो, ये कंपनी द्वारा लिए गए ऋण की पावती है। तीन, ऋण पत्र में मूलधन की अदायगी व शोधन तिथि पूर्व निर्धारित होती है। चार, ऋण पत्र में ब्याज की दर निश्चित होती है। पाँच, ऋण पत्र पर निश्चित समय अंतराल पर ब्याज दिया जाता है। 6, ऋण पत्रों के धारकों को मत देने का अधिकार नहीं होता है। 7, ऋण पत्र दीर्घकालीन ऋण होते हैं। 8, ऋण पत्र कंपनी की संपत्तियों पर प्रभार से सुरक्षित हो सकते हैं। प्रश्न 4, ऋण पत्रों के प्रकार किन विशेषताओं के आधार पर तय किए जाते हैं? उत्तर, एक सुरक्षा के आधार पर। दो, शोधन के आधार पर। तीन, पंजीयन के आधार पर। चार, पुनर्भुगतान प्राथमिकता के आधार पर। पाँच, ब्याज की दर के आधार पर। और 6, परिवर्तनशीलता के आधार पर। प्रश्न 5, सुरक्षित ऋण पत्र की विशेषता क्या है? उत्तर, एक ये ऋण पत्र कंपनी की संपत्तियों पर स्थायी या चल प्रभार से सुरक्षित होते हैं। और 2, कंपनी द्वारा इन ऋण पत्रों का भुगतान न कर पाने की दशा में ऋण पत्र धारक कंपनी की संपत्तियों को बेचकर अपने ऋण का भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न 6, असुरक्षित या नग्न ऋण पत्र किसे कहते हैं? उत्तर, ऐसे ऋण पत्रों का कंपनी की संपत्तियों पर प्रभार नहीं होता है, अतः ऐसे ऋण पत्र असुरक्षित या नग्न ऋण पत्र कहलाते हैं। प्रश्न 7, शोधनीय ऋण पत्र क्या है? उत्तर, जिनका भुगतान कंपनी द्वारा एक निश्चित अवधि के पश्चात कर दिया जाता है, शोधनीय ऋण पत्र कहलाते हैं। प्रश्न 8, अशोधनीय ऋण पत्र कौन से हैं? उत्तर, कंपनी के जीवन काल में जिनका भुगतान नहीं होता है, अर्थात कंपनी के समापन पर ही जिनका भुगतान संभव है, अशोधनीय ऋण पत्र कहलाते हैं। प्रश्न 9, पंजीकृत ऋण पत्र क्या है? उत्तर, जिनके धारकों का नाम कंपनी की पुस्तकों में दर्ज रहता है। 2, कंपनी द्वारा ब्याज एवं मूलधन का भुगतान इस रजिस्टर्ड
धारक को ही किया जाता है। तीन, ऋण पत्रों का हस्तांतरण प्रलय के माध्यम से ही होता है, पंजीकृत ऋण पत्र कहलाते हैं। प्रश्न 10, वाहक ऋण पत्र किसे कहते हैं? उत्तर, एक, इनके धारकों का नाम कंपनी की पुस्तकों में दर्ज नहीं होता है। दो, इन ऋण पत्रों का भुगतान सुपुर्दगी द्वारा ही किया जाता है। तीन, ब्याज की तिथि को धारक ऋण पत्रों के साथ संलग्न ब्याज का कूपन प्रस्तुत करता है, उसे ब्याज का भुगतान कर दिया जाता है, ये वाहक ऋण पत्र कहलाते हैं। प्रश्न 11, प्रथम ऋण पत्र कौन से होते हैं? उत्तर, वे ऋण पत्र जिनका पुनर्भुगतान अन्य ऋण पत्रों से पहले किया जाता है, प्रथम ऋण पत्र कहलाते हैं। प्रश्न 12, द्वितीय ऋण पत्र कौन से होते हैं? उत्तर, जिनका शोधन अर्थात पुनर्भुगतान प्रथम ऋण पत्रों के पश्चात बाद में किया जाता है, द्वितीय ऋण पत्र कहलाते हैं। प्रश्न 13, निश्चित ब्याज दर वाले ऋण पत्र किन्हें कहा जाता है? उत्तर, ऐसे ऋण पत्र जिनका निर्गमन करते समय ही ब्याज की दर निश्चित कर जाती है, निश्चित ब्याज दर वाले ऋण पत्र कहा जाते हैं। इनकी ब्याज दर को कूपन दर भी कहते हैं। प्रश्न 14, शून्य ब्याज दर वाले ऋण पत्र किसे कहते हैं? उत्तर, ऐसे ऋण पत्रों को बिना किसी ब्याज दर के साथ निर्गमित किया जाता है, विनियोक्ताओं को क्षतिपूर्ति हेतु इन ऋण पत्रों को बट्टे पर निर्गमित किया जाता है। ऋण पत्र के अंकित मूल्य और निर्गमित मूल्य का अंतर ऋण पत्रों की अवधि का कुल ब्याज माना जाता है, शून्य ब्याज दर वाले ऋण पत्र कहलाते हैं। प्रश्न 15, परिवर्तनीय ऋण पत्र किसे कहते हैं? उत्तर, वे ऋण पत्र जिन्हें एक निश्चित समय के पश्चात अंशों या अन्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित किया जा सके, परिवर्तनीय ऋण पत्र कहलाते हैं। प्रश्न 16, आंशिक परिवर्तनशील ऋण पत्र किसे कहते हैं? उत्तर, ऐसे ऋण पत्र जिनकी राशि के एक भाग को ही समता अंशों में परिवर्तन कराया जा सके तो वे आंशिक ऋण पत्र कहलाते हैं। प्रश्न 17, पूर्ण परिवर्तनशील ऋण पत्र किसे कहते हैं? उत्तर, जिन ऋण पत्रों की संपूर्ण राशि को समता अंशों में परिवर्तन किया जा सके तो वे पूर्ण परिवर्तनशील ऋण पत्र कहलाते हैं। प्रश्न 18, अपरिवर्तनीय ऋण पत्र किन्हें कहते हैं? उत्तर, वे ऋण पत्र जिनका परिवर्तन अंश या अन्य किसी प्रतिभूति में नहीं किया जा सकता है तो अपरिवर्तनीय ऋण पत्र कहलाते हैं। प्रश्न 19, स्वामित्व के आधार पर अंशों एवं ऋण पत्रों में क्या अंतर है? उत्तर, अंश के धारक कंपनी के स्वामी होते हैं, जबकि ऋण पत्र के धारक ऋणदाता कहलाते हैं। प्रश्न 20, हिस्से के आधार पर अंश और ऋण पत्र में क्या अंतर है? उत्तर, अंश कंपनी की पूंजी का हिस्सा है, जबकि ऋण पत्र ऋण की स्वीकृति है। प्रश्न 21, अवधि के आधार पर अंश और ऋण पत्र में क्या अंतर है? उत्तर, अंश निर्गमन द्वारा दीर्घकालीन स्थायी पूंजी प्राप्त की जा सकती है, जबकि ऋण पत्र द्वारा दीर्घकालीन एवं मध्यकालीन अस्थायी पूंजी प्राप्त की जा सकती है। प्रश्न 22, लाभांश या ब्याज के आधार पर अंशों एवं ऋण पत्रों में क्या अंतर है? उत्तर, लाभ की स्थिति में ही अंशों पर लाभांश दिया जाता है, जबकि कंपनी को लाभ हो या न हो ऋण पत्र पर ब्याज हमेशा दिया जाता है। प्रश्न 23, पुनर्भुगतान के आधार पर
अंशों एवं ऋण पत्रों में क्या अंतर है? उत्तर, कंपनी के जीवन काल में सामान्यतः अंशों का पुनर्भुगतान नहीं किया जाता है, जबकि निश्चित अवधि के पश्चात ऋण पत्रों का पुनर्भुगतान कर दिया जाता है। प्रश्न 24, बट्टे पर निर्गमन के आधार पर अंशों एवं ऋण पत्रों में क्या अंतर है? उत्तर, अंशों का बट्टे पर निर्गमन नहीं किया जा सकता है, जबकि ऋण पत्रों का निर्गमन बट्टे पर भी किया जा सकता है। प्रश्न 25, सुरक्षा के आधार पर अंशों और ऋण पत्रों में क्या अंतर है? उत्तर, अंश सुरक्षित नहीं होते हैं, जबकि ऋण पत्र कंपनी की संपत्तियों पर प्रभार द्वारा सुरक्षित हो भी सकते हैं और नहीं भी। प्रश्न 26, परिवर्तन के आधार पर अंश और ऋण पत्र में क्या अंतर है? उत्तर, अंश सामान्यतः अन्य प्रकार की प्रतिभूति में परिवर्तित नहीं किए जाते हैं, जबकि ऋण पत्र अंशों में परिवर्तित किए जा सकते हैं। प्रश्न 27, मताधिकार के आधार पर अंशों और ऋण पत्रों में क्या अंतर है? उत्तर, अंशधारी को साधारण सभा में उपस्थित होने एवं मतदान करने का अधिकार होता है, जबकि ऋण पत्र धारक को मताधिकार नहीं होता है। प्रश्न 28, जोखिम के आधार पर अंशों एवं ऋण पत्रों का अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, अंशों के विनियोग पर जोखिम अधिक होती है, जबकि ऋण पत्रों में अंशों की अपेक्षा जोखिम कम होती है। प्रश्न 29, एक कंपनी ऋण पत्रों का निर्गमन क्यों या किस लिए करती है? उत्तर, कंपनी अपनी दीर्घकालीन ऋण पूंजी में वृद्धि के लिए करती है। प्रश्न 30, ऋण पत्रों का निर्गमन किस तरीके से किया जाता है? उत्तर, कंपनी ऋण पत्रों का निर्गमन भी ठीक उसी तरीके से करती है जिस प्रकार अंशों का निर्गमन करती है। प्रश्न 31, ऋण पत्रों में अभिदान हेतु जनता को किस माध्यम से आमंत्रित किया जाता है? उत्तर, कंपनी द्वारा प्रविवरण के माध्यम से ही ऋण पत्रों में अभिदान हेतु आमंत्रित किया जाता है। प्रश्न 32, इच्छुक ऋणदाता किस प्रकार आवेदन करता है? उत्तर, निर्धारित प्रारूप में आवेदन राशि के साथ आवेदन करता है। प्रश्न 33, कंपनी द्वारा ऋण पत्रों की राशि किस प्रकार ली जा सकती है? उत्तर, एकमुश्त अथवा आवेदन, आवंटन, प्रथम मांग, द्वितीय मांग आदि में ली जा सकती है। प्रश्न 34, ऋण पत्रों का निर्गमन किन मूल्यों पर किया जाता है? उत्तर, सममूल्य पर, प्रीमियम पर अथवा बट्टे पर किया जा सकता है। प्रश्न 35, क्या कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 52 व 53 ऋण पत्रों के निर्गमन पर लागू होती है? उत्तर, नहीं, एक कंपनी अपने ऋण पत्रों का निर्गमन बट्टे पर कर सकती है। प्रश्न 36, क्या कंपनी अधिनियम 2013 में ऋण पत्रों के निर्गमन पर बट्टे की अधिकतम दर दी गई है? उत्तर, नहीं, कंपनी अपने द्वारा निर्धारित बट्टे पर ऋण पत्रों का निर्गमन कर सकती है। प्रश्न 37, ऋण पत्रों के बट्टे का लेखा पुस्तकों में किस प्रकार किया जाता है? उत्तर, ऋण पत्रों के निर्गमन पर बट्टे को डेबिट किया जाता है। धन्यवाद।